हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी और मैं और हूँ फैसल। पहले तो बताएं हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारी डिफरेंट कैटेगरीज पे वीडियोस पे रिएक्शन हम दे रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं वो हमें बताएं। और आज हमारे पास कौन सी वीडियो है जवेरिया, ये भी हमें रिकमेंड की गई है, इसको देखते हैं कि ये कौन सी वीडियो हमारे ये लिए। तो मुकेश अंबानी का घर है भाई। मुकेश पैसा ही अंबानी का पैसा। घर, मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द वर्ल्ड। लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि और भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे हैं बहुत बहुत चीजें, एक्सपेंसिव विलास हैं, वगैरह होते बहुत हैं, बड़े बट विलाज हैं, ये बट घर घर की जब हम बात करें तो हाँ, आई हाउस की थिंक इट्स बात द करें तो मोस्ट हाउस एक्सपेंसिव में तो हाउस। मोस्ट एक्सपेंसिव है। और भाई मुकेश अंबानी साहब के पास तो आपको पता ही है कि कितना पैसा भाई है। जेंडाया आई थी, टॉम हॉलैंड जब उन्होंने पीछे वो किया था तो हाँ इतने बड़े बड़े बाहर के आए थे, जीजी हदीद वगैरह आई थी, तो समझ सकते हैं पैसा है तभी आए थे इतना बड़े बड़े। बड़ा बिजनेसमैन, इंडिया का बहुत बड़ा बहुत सारे बिजनेस नाम, चल रहे हैं उनके, बहुत सारे वो मल्टी बिजनेस चल रहे हैं, मल्टीपल कोई एक बिजनेस है। बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। और बहुत इंस्पायरिंग इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, और हाँ इसी तरह वो फिर जो जो उनकी लाइफस्टाइल होती है वो भी लेकिन इसी तरह आपको ही। नहीं लग रहा कि जो ऐसे ऊपर करके ऊपर जाते जाते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑक्सीजन लेना? लाइक इतने सारे फ्लोर्स हैं, नहीं दोनों उसमें तरफ? बहुत सारी चीज़ें उनको मद्देनजर रख के ये सारा हाँ चीज़ें की जाती हाँ हैं। चलिए ये अब जितना भी देखते ऊपर हैं। जाएंगे उसमें हर चीज़ होगी, इस एक घर के अंदर एक दुनिया होगी। जब हम देखेंगे ना, जिम एंड जिम, एवरीथिंग, स्विमिंग पूल, स्विमिंग फलाने, पूल, ये चीज़, वो बार, ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, सिनेमा, सिनेमा, कार पार्किंग, ये फलाना और ऊपर वो भी उसका, होता है ना हेलीकॉप्टर का, एक वो भी तो है। हाँ हाँ, वो भी हेलीपैड वाला सीन। तो ये भाई एक कहते तो इसको घर है बट ये होती एक दुनिया है, एक सिटी होता है, कि हर चीज़ उन्होंने अपने घर के अंदर ही बनाई होती है। लिफ्ट क्योंकि हाँ, वगैरह और अंदर, और फिर उनके जो केयर टेकर्स हैं घर के, उनके भी अलग अलग इनमें बट पोर्शंस ये बने वैसे होते हैं। घूमते घूमते पूरा दिन इनका गुजर जाता होगा, एक जगह से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, कहीं से नहीं कहीं नहीं जाने के ये लिए। लिफ्टों मारते होंगे और शूक करके नीचे से ऊपर जाते हाँ होंगे। चलो सो देखते हैं कि देखते हैं क्या ये है। घर में क्या क्या खास है। सो उसके हाँ बाद अपनी अपनी डिस्कस हाँ करेंगे। जी। दुनिया दुनिया में में बनाया बनाया गया गया सबसे सबसे महंगा महंगा तरीन तरीन घर घर ना ना ही ही अमेरिका अमेरिका में में है है और और ना ना ही ही यूरोप यूरोप में। में। वो वो है है इंडिया इंडिया के के शहर शहर मुंबई मुंबई में। में। जेमटीवी जेमटीवी की की वीडियोस वीडियोस में में एक एक बार बार फिर फिर से से खुशामदीद। खुशामदीद। और और ये ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी चैनल चैनल है। है। जेमटीवी जेमटीवी बिल्डिंग बिल्डिंग इंडिया इंडिया के के बिजनेस बिजनेस टाइकून टाइकून मुकेश मुकेश अंबानी अंबानी का का जाती जाती घर घर है है जो जो मुंबई मुंबई में में एंटीलिया एंटीलिया के के नाम नाम से से जाना जाना जाता जाता है। है। कई कई एस्टिमेट्स एस्टिमेट्स के के मुताबिक मुताबिक इस इस घर घर की की कीमत कीमत 2 बिलियन डॉलर यानी $15,000 करोड़ रुपए रुपए है। है। जिंदगी में नहीं लेकिन देखे कई हम, लोगों उनका का मानना मानना है है कि कि एंटीलिया एंटीलिया नहीं नहीं आपने बल्कि 15 करोड़ भी बकिंगम नहीं पैलेस दुनिया का देखे। सबसे महंगा तरीन घर है, क्योंकि बकिंगम पैलेस की कीमत $5 बिलियन है। लेकिन बकिंगम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट प्राइवेट घर प्रॉपर्टी है। है, ठीक है। अगर अगर ये ये कहा कहा जाए जाए कि कि एंटीलिया एंटीलिया दुनिया दुनिया का का सबसे सबसे महंगा महंगा तरीन तरीन प्राइवेट प्राइवेट घर घर है है तो तो गलत गलत नहीं नहीं होगा। होगा। इस इस आलीशान आलीशान घर घर में में ऐसा ऐसा क्या क्या है है जो जो ये ये दुनिया दुनिया का का सबसे सबसे महंगा महंगा घर घर कहलाया कहलाया जाता जाता है? है? ये ये आप आप जानेंगे जानेंगे आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में। में। इस इस घर घर में में कई कई कमरे कमरे ऐसे ऐसे हैं हैं जिनकी जिनकी छतें छतें दुगनी दुगनी हैं, हैं, जिसकी जिसकी वजह वजह से से ये ये 27 मंजिला27 मंजिला इमारत इमारत 50 या 60 स्टोरी बिल्डिंग बिल्डिंग लगती लगती है। है। एंटीलिया एंटीलिया के के शुरू शुरू के के 6 फ्लोर्स6 फ्लोर्स पे पे एक एक आलीशान आलीशान कार कार पार्किंग पार्किंग एरिया एरिया बना बना हुआ हुआ है। है। इस इस कार कार पार्किंग पार्किंग एरिया एरिया में में 170 170 गाड़ियां गाड़ियां एक एक ही ही वक्त वक्त में में पार्क पार्क हो हो सकती सकती हैं। हैं। आप आप में में से से कई कई लोगों लोगों को को मालूम मालूम होगा होगा कि कि मुकेश मुकेश अंबानी अंबानी लग्जरी लग्जरी कार्स कार्स के के बहुत बहुत शौकीन शौकीन हैं हैं और और उनकी उनकी कार कार कलेक्शन कलेक्शन में में 168 168 कार्स कार्स मौजूद मौजूद हैं। हैं। इस इस आलीशान आलीशान कार कार पार्किंग पार्किंग एरिया एरिया के के अलावा अलावा इस इस घर घर में में एक एक कार कार सर्विस सर्विस स्टेशन स्टेशन भी भी मौजूद मौजूद है, है, जहां जहां पर पर सिर्फ सिर्फ अंबानी अंबानी फैमिली फैमिली की की गाड़ियां गाड़ियां सर्विस सर्विस होती होती हैं। हैं। अगर अगर गाड़ी गाड़ी में में सफर सफर का का दिल दिल ना ना हो हो तो तो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का का ऑप्शन ऑप्शन तो तो हर हर वक्त वक्त ओपन ओपन रहता रहता है, है, क्योंकि क्योंकि एंटीलिया एंटीलिया के के छत छत पर पर हेलीपैड्स हेलीपैड्स भी भी मौजूद मौजूद हैं। हैं। कार कार पार्किंग पार्किंग एरिया एरिया से से रास्ता रास्ता एक एक शाह शाह अली अली में में जाता जाता है, है, जहां जहां पर पर एक एक दो दो नहीं नहीं बल्कि बल्कि पूरे पूरे 9 एलिवेटर्स9 एलिवेटर्स लगे लगे हैं। हैं। अंबानी अंबानी फैमिली फैमिली के के अलावा अलावा अगर अगर कोई कोई इन इन एलिवेटर्स एलिवेटर्स पर पर ऊपर ऊपर जाना जाना चाहे चाहे तो तो ये ये सिर्फ सिर्फ उस उस फ्लोर फ्लोर पे पे ही ही रुकती रुकती है है जिस जिस फ्लोर फ्लोर का का एक्सेस एक्सेस हो। हो। उसके उसके ऊपर ऊपर दो दो फ्लोर्स फ्लोर्स पर पर मुश्तमिल मुश्तमिल एक एक रिक्रिएशनल रिक्रिएशनल सेंटर सेंटर मौजूद मौजूद है, है, जहां जहां पर पर स्विमिंग स्विमिंग पूल, पूल, जिमनेजियम, जिमनेजियम, जूस जूस बार, बार, डांस डांस स्टूडियो स्टूडियो और और योगा योगा स्टूडियो स्टूडियो मौजूद मौजूद है। है। बाहर जैसे जाने का आप क्या ऊपर फायदा है, बढ़ेंगे सारा कुछ तो घर में आपको ही है। एक स्पा सलून और मसाज रूम मिलेगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल मौजूद है जिसको मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है जहां पर 50 लोग बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं।
इस घर में बेशुमार टेरेसेस और बालकनीज मौजूद हैं, जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही साथ एंटीलिया की दीवारों पर भी प्लांटेशन देखने में आती है, ताकि ज्यादा हीट ना है। गर्मी के मौसम में दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो ही रही है तो ये भी सुन लें कि जून जुलाई में जब मुंबई शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसी वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्री भी होता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है। यार जिंदगी तो ये जी रहे हैं हम, तो गुजार रहे हैं। कड़कती गर्मी में बर्फ का मजा लिया जा सकता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर का डिजाइन चिकागो की एक आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल्स ने किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप ने किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये 4,00,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि इन 5 लोगों की खिदमत के लिए और इस आलीशान घर की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया, जिसमें शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड और प्लंबर्स शामिल हैं। वो हमारी थोड़ी थोड़ी है, काम खराब होगा तो मार्केट में जाएंगे प्लंबर ढूंढने। पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है जहाँ पर सारा स्टाफ रहता है। इस घर पूरा एक फ्लोर मार्बल, क्रिस्टल और मोती इस्तेमाल किया गया है। दुनिया जहां की एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज एक ही घर में होने के साथ साथ इस घर में एक मंदिर भी मौजूद है और कई हिंदू देवीज के स्टैचूज भी इस घर में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर और चेयरमैन हैं, और साथ ही सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान कहलाए जाते हैं। इंडिया जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा है, उसके एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी वजह से मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। जी हाँ, 52 बिलियन डॉलर, बहुत मेहनत, 3,900 अरब रुपये के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 15वें नंबर पर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी इतनी दौलत आखिर कहां खर्च करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे 100K लाइक्स आ गए तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस घर के बारे में मजीद कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरूर बताएं जी, हमें बताएं कि इसके अलावा आप क्या जानते हैं। हाँ जी, जो जो विजिट मतलब करते होंगे थोड़े बहुत बाहर से तो करते ही होंगे ना, बाहर से तो देखते होंगे या वीडियोस वीडियोस देखी होंगी, कोई अंदर की स्टोरीज वगैरह तो जाहिर है लगाते होंगे। लेकिन क्या क्या गरीब फील हो रहा है आपको इस वक्त? गरीब नहीं, मुझे मोटिवेशन फील हो रही है। अच्छा हाँ, मुझे ये फील हो रहा है कि यार इस इंसान ने कितनी मेहनत की होगी, और हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दिमाग बहुत बड़ी मेहनत होती है, एक माइंड की मेहनत भी है। हमें लगता है कि सिर्फ फिजिकल हाथ चलाने से दौड़ने से ही मेहनत होती है, बट सोचने से, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे निकल के ऑफिस जाने का दिल कैसे करता होगा? मतलब कैसे? तो ऑफिस, उस ऑफिसेस भी तो उनके ऐसे ही होंगे ना कि मतलब लैविश, और फिर क्योंकि आप घर में तो बिजनेस ही नहीं कर सकते, घर में तो आप एंजॉय ही कर सकते हो, सो सकते हो। इस घर में ऑफिस भी होगा इनका, एक तो होगा, कुछ पर्सनल मीटिंग्स वगैरह जैसे होंगी उन्होंने जाहिर है बनाया होगा, बट ओवरऑल एक ही घर में एक पूरी दुनिया बस रही है। लाइक यार मतलब, और इतनी बिल्डिंग्स, उन्होंने कहा ना कि 5-6 लोगों के लिए उन्होंने 600-700 प्लस का स्टाफ रखा हुआ। क्या बात है भाई। तो यार यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बैठे इतना नहीं आइडिया, ज्यादातर इंडियंस को आइडिया होगा कि मुकेश अंबानी की जो बायोग्राफी है, उनकी लाइफ थोड़ी सी, जैसे सेलिब्रिटीज है ना अपना सब कुछ दिखाते हैं, ये है, उनकी लाइफ थोड़ी प्राइवेट है, इतना ज्यादा डिटेल में उन्होंने उनकी फुटेज वगैरह नहीं आई होगी घर वगैरह। हाँ, नहीं इतनी डिटेल्स में, जैसे अभी ये वीडियो भी थी ना तो इसने इतनी ज्यादा उनके घर की अपनी फुटेज नहीं दिखाई थी, वो थोड़ी बहुत थी, नजर आ रही थी, बट इसने बाहर से कुछ फुटेज यूज की थी, तो आप मतलब वो दिखाना नहीं चाह रहे कि हम कितना लेविश लाइफस्टाइल हमारा है, वो ये चीज नहीं दिखाना चाह रहे, व्हिच इज अ गुड थिंग। और ओवरऑल ऐसे घर को अगर इंडिया में जैसे कि ना मतलब उन्होंने कहा कि बहुत रेयर घर है, ऐसे प्राइवेट हाउसेज की ये बात हो रही है कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, तो ये फिर उनकी जब वो चल फिर रहे हैं तो हालांकि हर चीज़ बड़ी महंगी पहनते, लेकिन हैं बहुत सादा इंसान,
बाकी चीजों में उनका शौक है, गाड़ियों में या इन चीजों में। 168 गाड़ियां रखने के बाद फैसल आप कह रहे हैं कि वो सादा इंसान है, ऐसा सादा मुझे भी नहीं आता। मुझे क्यों लगता है कि यार मुकेश अंबानी एक ना सिंपल सा पर्सन है, मुझे क्यों लगता है? आपको लगता है सब सादे से हैं, जो जो अमीर है वो सब सादे हैं? नहीं नहीं, उनका उनके अपने शौक होंगे, लेकिन इस सारे पैसे के बाद, इन सब चीजों के बाद मुश्किलें भी और वो और तरह की आ जाती हैं। भाई अगर आप देखो जितना आप ऊपर जाओगे ना उतनी टेंशन परेशानियां मसले मसाइल उतने होते हैं। पांच जो है एक्सपोर्ट के एक इनका होता है एक्सपोर्ट जब वो लगा हुआ इतने परसेंट है, तो ये ओवरऑल देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें मुकेश अंबानी का बहुत रोल है, रतन टाटा का बहुत रोल है, उसके अलावा एक नाम मैं भूल गया हूँ जो पिछले दिनों नंबर वन पे आए थे, शायद आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो भी हैं। तो अच्छा, मतलब बेसिकली किसी और ये सारे सलमान ये सारे बड़े नीचे नीचे से उससे सही उनकी तरह रहते हैं, मतलब हाँ, जब इनकी बेटी की शादी हुई थी तो सारे लोग आए हुए थे, तो जाहिर है फिर और जब ये बिठाते ना सब बॉलीवुड सब नीचे से बैठ के खाना खा रहे थे और चिलमुल पूरा पूरा एंजॉय कर रहे, मतलब। और इसका ये भी है कि बिजनेसमैन है ना, तो सिर्फ साइड साइड पे नहीं है बिजनेस, बिटवीन बॉलीवुड के साथ बड़ा अटैच है इनकी, जो इन्होंने मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम खरीदी हुई है PSL में, तो इनके वैरायटी ऑफ बिजनेस हैं, कोई एक बिजनेस नहीं है उसके अलावा। लेकिन मुझे लगता है कि इनका फिर वो है कि इनके अब्बा वगैरह सब अमीर होंगे तो आगे आगे इस तरह वेल्थ चल। हाँ बिजनेसमैन तो वो थे बट वो इस लेवल के नहीं थे जिस लेवल का इन्होंने फिर उठा के ऊपर लेके आए हैं, तो वो उन्होंने भी जो एक रोड सेट करके दिया था। जिंदगी में इतना नहीं हो सकता, एक जिंदगी में इतना नहीं हो सकता, ये पीछे से चला आ रहा है। हां पीछे से चला आ रहा है, रास्ता है बिल्कुल। इनके वालिद साहब बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने फिर इनके एक और भाई हैं, तो वो दो भाई में बटा, लेकिन वो इस लेवल के ऊपर नहीं आए जितना ये आए हैं ऊपर। तो एक इंस्पायरेशन भी है ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए इंस्पायरेशन है, और जितना भी जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इंस्पायरेशन है कि चलो यार इस लेवल पे नहीं तो किसी लेवल पे किसी तो पहुंच जाएंगे। तो और देखो कि एक और चीज भी बीच में नजर आ रही है और वो है प्रोसेस से गुजरे हैं। अब ये इंटेलिया इतना एक इधर काम किया इधर बन गया तो ऐसे तो नहीं ना हुआ होगा, एक जिंदगी गुजरी है, एक जवानी कटी है, अब उनके जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने कितना कुछ किया होगा, अपनी जवानी को कितना सेक्रीफाइस किया होगा, कितनी टेंशन ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आपके कोई इस बारे में रिव्यू? मैं थोड़ी सी भी वो हो गई हूँ कि ओके हाँ मैं क्या ही कहूँ, सिनेमा है भाई, जिम है, योगा रूम है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला घर आपका होता हाँ। तो आप 24 घंटे में से कितने घंटे घर में गुजारते हैं? 25 घंटे 25 घंटे इस बात पे हम व्यूअर से पूछेंगे कि अगर आपके पास ये घर होता, इमेजिन करने में क्या जाता है यार, मतलब हम कौन सा ये कह रहे हैं कि मानी सब हमें दे दे, अगर आपका घर होता तो आप कितने घंटे इस घर में स्पेंड करते? बात मैं जवेरिया के साथ एग्री करूंगा कि अगर ये वाला घर मेरा होता मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, तो मेरा तो दिल ही नहीं करता यार बाहर जाने का, सारा कुछ तो अंदर है, मैं सारे दोस्त वहां बुला कर अंदर ही सारा पार्टी शार्टी को फ्लेक्स मारते रहते, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। वो जैसे कहते हैं बर्गर बॉय कहते हैं ये मेरे पापा का है, ये मेरे ब्रॉय का है, ये मेरा, ये तो इस तरह फिर हम भी करते हैं यार, कोई नहीं, चार पांच पंटर रख लेते हैं। सो ओवरऑल यार नाइस, अच्छा इन्फॉर्मेशन नजर आया हमें इस वीडियो में, और कोई अगर इसी तरह के इंस्पायरेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देखनी, बहुत गरीब मेरी फील होती है। अच्छा ये जो वो डिप्रेस हुई है और मैं मोटिवेट हुआ हूं, तो ये चीज है। नहीं नहीं डिप्रेस नहीं, मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा है। मुझे, हाँ। आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, किस किस को अभी गरीब फील हो रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और भी कोई मजीद इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड तो वो भी शेयर कर सकते हैं, और आप हमें मजीद गरीब फील करवा सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें इनसाइड रिएक्शन के साथ।